हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। आइए आइए द्वारिकानाथ जी। वाह वाह, आखिर द्वारिकानाथ को भी साईं की शरण में आना ही पड़ा। चलो देर से ही सही, आए तो सही। राम 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 राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, अपनी आरती उतरवा कर ये पाखंडी अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। आइए गणपत राव जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम मेरे भक्त गणपत का इंतजार कर रहे थे या उसकी लाई थैली की राह देख रहे थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं को जल्दी जल्दी जाने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने वैजी। जाइए, टांगा बाहर ही खड़ा है जो आपको शिरडी से बाहर छोड़ाएगा। मेरी एक बात याद रहे, दोबारा शिरडी में कदम रखने की कोशिश मत करना तुम। भगवान द्वारिकानाथ जी, आप तो मुझे शिरडी से निकाल देंगे और मैं निकल भी जाऊंगा, लेकिन जिन शिरडी वालों के दिलों में मैं हूं उनके दिलों से मुझे कैसे निकालोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। गणपत राव। आइए गणपत राव जी, बैठिए। आप जैसे भक्तों का मैं आदर करता हूं गणपत राव, क्योंकि आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं और आप में सबर भी है। लेकिन लेकिन क्या? डाकुओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो कोई डाकू नहीं है। आपने थैले के ऊपर तरकारी क्यों रखी है? राजजी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि हमें डाकुओं ने घेरा था? सबका मालिक एक है। वैजी, थैली में जो 10,000 रुपए थे वो कहाँ गए? वैद्य जी, आपने तो नहीं निकाल के रख लिए? बकवास बंद करो मूर्खों,
द्वारिकानाथ जी, आपने जो तांगा मेरे शिरडी से बाहर चले जाने के लिए बुलाया है उसे वापस भेज दीजिए। क्यों, आपने तो वादा किया था कि। हाँ, मैंने शिरडी से जाने का वादा किया था, लेकिन। लेकिन क्या? तरकारी के बदले में नहीं। मैंने तो पैसे थैली में रखे थे, क्यों? वैजी, आइए चलते हैं। गणपत राव जी, अपनी तरकारी तो लेकर जाओ। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। ऐसे कैसे पैसे? वैजी, कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साई बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारिकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो, तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। कहाँ जा रहे हो गणपत राव? द्वारिकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था, अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपत राव! अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया, और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खो। साईं से मिलकर लौटा था अभी, साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए? जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए? बाबा, बाबा, साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए। बाबा बाबा, अब आप मेरे मन में बसे हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। बाबा, आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं। बाबा साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी,
मुझे दंड दीजिए और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है, और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है, और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, टांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए। गणपत, साई साई बो। दिलो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक एक।